फिर हमसे बदतमीजी करें, गलत बोलने लगा, गाली वाली देने लगा, जब हमें मार ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उन्नाव से आ रही है बड़ी खबर, जमीनी विवाद के चलते मानवता फिर हुई शर्मसार, नहीं रुक रहा महिलाओं पर अत्याचार, चलती गाड़ी में महिला के साथ छेड़छाड़, ननद के बेटे व उसके साथी पर बलात्कार व छेड़छाड़ का आरोप, घायल महिला को गंगा में फेंकने की साजिश, पूरी घटना थाना बेहटा मुजवार आगरा एक्सप्रेसवे की है। आरोपी युवक ने कुछ दिन पूर्व ही बांगरमऊ में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री के लिए वह अपने एक साथी व पीड़िता के साथ आगरा जा रहा था। आगरा पहुंचते ही युवक महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने लगा। जब महिला चिल्ला चिल्ला कर दोनों पर छेड़छाड़ व बलात्कार का आरोप लगाने लगी तो युवक ने महिला की नाक को दांतों से काट लिया। चलती गाड़ी में मारपीट होने के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान महिला को काफी चोटें भी आई। महिला के अनुसार दोनों उसे अधमरा समझकर गंगा में फेंकने वाले थे, लेकिन गाड़ी के टकराने के बाद दोनों युवक महिला को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गए। फिलहाल पीड़िता को CHS बांगरमऊ से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों युवकों को आगरा एक्सप्रेसवे से बोलेरो पिकअप संग गिरफ्तार किया है। महिला की तहरीर पर दोनों युवकों पर धारा 354 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तुम मेरे साथ चलो, हमें एक रजिस्ट्री कराना है, तुम पेपर वगैरह पढ़ लेना। तब हमने पहले मना कर दिया, फिर कहने लगा नहीं चलो तुम काम पे। हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तभी बस साथ में आए थे यहाँ, काफ़ी दूर तक जब निकल आए तो दूसरा एक लड़का पीछे बैठा हुआ था, उसका दोस्त फैसल नाम है उसका। वो कहने लगा कि आगे चलती गाड़ी में आगे आ गया, पीछे से चलती गाड़ी से आगे आ गया। कहने लगा कि अब बताओ तुम, पता नहीं फिर कोई बात नहीं हुई। वो फिर हमसे बदतमीजी करने लगा। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कहने हमें ऐसा करना है, गलत बोलने लगा, गाली वाली देने लगा। और दूसरा वाला ऐसे बैठा था, वो हमें ऐसा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब उसने मेरे दांत काट लिया, ये काटा, फिर नाक पे काट लिया। फिर जब हम ब्लड बहुत निकला, हम बेहोश हो गए। फिर कहने लगा इनको गंगा नदी में फेंक देंगे, आगे पड़ती है गंगा नदी, वहाँ फेंक देंगे, कोई पता ही नहीं लगा पाएगा। गाड़ी से फेंक दिया, कहने लगा पेट्रोल नहीं है वरना फंस जाएंगे, गाड़ी में डीजल नहीं था उसकी, बस फेंक के वहाँ भाग गया वो। फिर हमने काफ़ी देर हेल्प मांगते रहे, फिर एक सर बेचारे रुके, उन्हीं ने मेरी हेल्प की। थाने पहुंची आप बेटा? हैं? बेटा मुजावर थाने पहुंची? हाँ मैं खुद नहीं पता सर। आगरा हम जा रहे थे, हमको कानपुर बाईपास में मिली थी, तो वहीं से गाड़ी से बिठा लिया था जी, खुद ही बैठ गई थी। तुलना चौक आगे हम भी चले गए। कहाँ ले जाते इनको? हमने आगरा में वो बांगरमऊ में प्लाट लिया था, इनको मालूम था। हाँ वही सोचे थे रजिस्ट्री मेरे नाम करा दो। रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे थे? जी रजिस्ट्री कराने के लिए जबरदस्ती जा रही थी। तो क्या हुआ रास्ते में? जब बांगरमऊ पहुँचने लगे हाँ तो ये मारपीट करने लगी, लड़ाई झगड़ा। किस बात के लिए? रजिस्ट्री के चक्कर में। तो क्या हुआ फिर? तो इनके दो कंटा मार लिए गाड़ी की स्टेयरिंग पकड़ ली। और क्या हुआ? तो गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई। ये कहाँ था तुम्हारी लड़का जो तो पीछे तुम्हारे साथ रहता है? ये पीछे ऊपर बैठा था। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये जब गाड़ी हमने डिवाइडर नीचे रोक दी तो ये ऊपर से नीचे आ गया। फिर क्या हुआ? फिर नीचे आ गए, फिर मेरी मामी लड़ने लगी तो हमने इनके काट खाया नाक में गाल पे। महिला बता रही कि मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई? नहीं सर, बलात्कार नहीं की। क्या हुआ? जब उनसे मिलते जुलते तो बलात्कार क्यों करेंगे, प्लाट के चक्कर में कल ऐसा हुआ है। आज शाम लगभग 4 बजे के आसपास लखनऊ निवासिनी एक महिला अपने पारिवारिक सदस्य अपने ननद के बेटे बिलाल के साथ आगरा एक्सप्रेसवे से आगरा जा रही थी। ये लोग कोई ज़मीनी प्रकरण में रजिस्ट्री के काम से वहाँ पे जा रहे थे। वादिनी की तहरीर के अनुसार रास्ते में उसके साथ बिलाल खान और फैजाल खान के द्वारा छेड़खानी की गई और उसको कुछ चोटें भी पहुंचाई गई।
और उसको रास्ते में छोड़ के ये लोग चले गए। पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंच के आगे की कार्रवाई की गई। वादिनी को, पीड़िता को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दरमियान दोनों अभियुक्त रास्ते में पकड़े गए, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के तहरीर के आधार पर 354, 324 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेजा।